नो नो हम क्यों अकेले अकेले स्लीपलेस हो, आपको भी हमें हमारे साथ स्लीपलेस होना चाहिए। हम ऐसे कूल कैफेज में आते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उल्टे पुल्टे सवालों का कूल जवाब देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, तो आपने खुद से देखा जवाब कूल था और सवाल उल्टा पुल्टा? मैं तो यही बोलूँ, आप बोलोगे सर जवाब एग्जैक्टली। लड़के लड़कों को ऐसे चलता रहता है। मोबाइल मोबाइल यार प्लीज। स्टडीज के मैटर में मैं पूरे साल में एक रात जाता था स्टडीज के मैटर में, बाकी रात दूसरे मैटर में जाता था, बट मैं हमेशा प्लानिंग करती थी कि ठीक है अभी डिनर खा के 12 बजे तक पढ़ाई करूंगी, फिर 5 बजे तक सोऊंगी, 6 बजे उठ के फिर से पढ़ाई करूंगी स्कूल जाने से पहले। बिल्ली हूँ, मैंने बोला था पहले भी। तुम रात को सो जाते हो, तुम इंसोम्निया नहीं हो? तो किसने बोला तुमको ओनली इंसोम्निया इज अलाउड टू बी हियर? नहीं मैं रिसेंटली बात कर रही थी, कुछ बताओ इंसोम्निया का। मैं स्कूल के बारे में बात कर रही थी। मैं स्कूल के बारे में लाइव एग्जांपल इंसोम्निया के एग्जांपल इन माय हाउस, माय सिस्टर्स इन इंसोम्निया, बहुत मतलब सीरियस टाइप की इंसोम्निया है, पर हमने एक्चुअली इंसोम्निया का लाइट मतलब निकाला है, क्योंकि आप रात में रात को अपना दिन बना सकते हो, चांद को अपना सूरज बना सकते हो, इतना इंटरेस्टिंग है। रात को सब लोग छुपा छुपाई खेल सकते हैं, सब चुप चुप रहते हैं, इट्स ऑल क्वाइट, ऑल सॉर्ट योरसेल्फ, इमेजिन द मिडल ऑफ द रोड, नो नॉट मिडल ऑफ द रोड, मिडल ऑफ द गार्डन, मिडल ऑफ द वाटरफॉल, सो मच फन। अरे मुझे तो खेला बहुत पसंद है। किसी ने मेरा ट्वीट पढ़ा कि नहीं आज? हाँ किसने पढ़ा? This I that I narrated to you today in the office. हाँ, a Kela a night makes insomnia bright, and we are releasing Neen Na Mujhko Aaye tonight. केला या ऐसा कुछ मतलब तू क्लियरली सवाल ऐसा कुछ क्या बोल रहा है? 12 बज गए मतलब ख्यालों में तू कहीं और पहुंच गया भाई। केला मुझे पसंद है, ऐसा वैसा तुझको पसंद है तुम। गेम गेम Hi guys. ऐसे इंसोम्निया में कुछ भी हो सकता है। This event is also in support of 24/7 nightlife. So if you could speak a little bit about that, that would be great. It is. Or so I've been told. I'm always in support for 24/7 nightlife, and I think we're living in the city that demonstrated for the rest of the world. So let's all just stay awake tonight. Full night away, Brew Cafe. Keep listening to the song, and everyone sits there and tweets about the song, writes about the song. सबको नाचना है। हाँ। चाइल्ड नालिया। आगे क्या फिल्मों के अलावा कभी कोई ऐसा कोई दिन ऐसा भी चाहिए जब आपको नींद ना ऐसा कुछ कभी आपने इमेजिन किया? हाँ, जब हार्ट ब्रेक होता है तो नींद नहीं आती। जब प्यार में भी बढ़ते हो तो नींद नहीं आती। एक्चुअली कोई भी चीज जब एक्सट्रीम में हो जाती है तो नींद नहीं आती है। ज्यादा प्यार हो जाता है तो नींद नहीं आती है, दिल टूट जाता है तो नींद नहीं आती है, और ज्यादा कॉफी पी लो तो नींद नहीं आती है, ज्यादा काम कर लो तो नींद नहीं आती है, एक्साइटमेंट हो तो नींद ज्यादा हो गई हो तो नींद नहीं आती है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो भैया घोड़े बेच के सो जाऊंगा कुछ दिन के लिए। आजकल लोग ये लोग प्रमोशन में अभी देखो 12 बजे रात को बुला रहे हैं, कभी सुबह 7 बजे बुला रहे हैं, ऐसा ही हो गया। ऑब्वियस है तो यहाँ पे तो नहीं सो। थैंक यू। तकिया और क्या नेक्स्ट टाइम मंगाएंगे आपके लिए? आलिया शाहिद, आप दोनों से सवाल है कि जिस तरह का डायलॉग था कि 1.2 सेकंड अगर आप किसी को देखते तो लाइक करने लगे। सॉरी, मैं एक पुराने सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रात को जब लोग ऐसे होते हैं ना तो ऐसे जब मैसेज वैसेज करते हैं, डोंट लाई, यू जस्ट चेंज इट, वहाँ पे नाम था गिरीश विरीश ऐसा कुछ। अभी सडनली चेंज करके नोट्स में तो नोट्स दिख रहे हो। यू कांट डू दैट। फोर्थ डू दैट।
मैं इंसोम्निया में ऐसी चीजें करता हूँ। लाइट झूठ का कोई गिरीश नहीं था, शिरीश था। शिरीश। शुभ शुभ। हेलो। अच्छा शाही दालिया, आप दोनों से सवाल है कि फिल्म में जो डायलॉग, मतलब जो गाने में डायलॉग है कि 1.2 सेकंड से ज्यादा अगर घंटे से ज्यादा किसी को देखते हैं तो आप लाइक कर रहे हैं, तो आप दोनों के साथ कितनी बार ऐसा हुआ है किसी को देखकर या इससे ज्यादा? मैं तो अगर 8.2 सेकंड से एक लड़की को देखो तो मुझे चपेटी पड़ जाएगा डॉक्टर का। हाँ, एक सेकंड तक अगर एक आदमी घूर ही जा रहा है लड़की को तो आगे चपेटी मार देगी। ऐसा पिक्चरों में ही होता है कि आप 8 सेकंड तक लड़की को देखो और वो घूर के बोलती है हाय। बाय द वे, आपने नोटिस किया कि ये ट्रिविया कौन दे रहा था? आलिया, आलिया दे रही थी। हाँ, मैं दे रही थी। क्यों दे रही थी आलिया तुम्हें ट्रिविया? क्या नहीं होता मुझे तो लगता है कि तो नहीं, मैंने कहा मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को 8 सेकंड घूरा नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं हुई है, बट आम जिंदगी में होता होगा। ये विकास ने ये डायलॉग लिखा है तो इसका जवाब सही आप ही दे सकते हैं। मैं एक्चुअली शाहिद के आंसर से ज्यादा सहमत हूँ। जब तक घूरता रहता है जब तक पकड़ा ना जाए, तो एक्चुअली द फैक्ट इज कि 8.2 सेकंड्स के बाद लड़का पकड़ा जाता है, तब तक वो घूरता है। आलिया, आपने किसी को 8.2 सेकंड के लिए देखा है किसी लड़के? मैंने तो 80.2 सेकंड्स के लिए भी घूरा है। कौन है वो? कुछ ज्यादा हो गया, ये क्वेश्चन अलाउड है। नेक्स्ट। और आपको कितने लोगों ने ऐसे घूरा है, आपने नोटिस किया हो ये चीज? नहीं बस, आई डोंट नो दैट, आई डोंट रियली पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स। नो काउंट कितने बार घूरा है एक दूसरे को फिल्म में? हमने कितनी बार घूरा है एक दूसरे को फिल्म में? वो अभी एक गाना रिलीज हुआ है हमारी फिल्म का, नजदीकियां, उसमें तो घूरने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा मैं उसको देखे जा रहा हूँ, किसी और के साथ नाच रहा हूँ और देख रहा हूँ आलिया को। आलिया अपने पापा के साथ जा रही है, मुझे घूम घूर रही है, तो मतलब पापा भी शायद घूर रहे हैं। हाँ, तो हम सब एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये फिल्म बनाई है 60 दिन में, 52 डेज में, उसमें से 35 दिन आई थिंक वी वर शूटिंग नाइट्स, मतलब 35 नाइट्स वी वर शूटिंग। हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, 35 दिन वी वर शूटिंग नाइट्स, दैट्स नॉट, हमको तो मुझे तो एक महीने के लिए सन भी नहीं दिखा। नाइट्स वी वर शूटिंग नाइट्स फॉर द सन, ओ व्हाट, आई फॉरगॉट, आई डिडंट, आई मीन आई डिडंट फॉरगेट, आई डिडंट सी इट for one month, I didn't see it. हाँ, लेकिन ये ऐसे डार्क टाइप की पिक्चर नहीं है, वो लोग कुछ उल्टा मतलब निकालेंगे, इसके अंदर बहुत ब्राइट और देखिए कितनी सब ब्लू एंड स्काई एंड एकदम हैप्पी फिल्म है। वाइब है, वाइब। ये आइडिया किसका था रात को गाना लॉन्च करना? किसका आइडिया था? मार्केटिंग था, सब मिलके मारेंगे। सिड मार्केटिंग किसका आइडिया था? हाँ, आई थिंक ये विकास का आइडिया था। विकास का आइडिया था, ये जितने भी ऐसे टाइप के सब ऑफ टाइप के आइडियाज होते हैं वो सब विकास के होते हैं। हाँ, अभी विकास वांटेड अस टू गो टू पराठे वाली गली एंड ऑल के, हम लोग रात में भी बजा सकते हैं, हैव फन ओवर देयर। सिर्फ मैसेजिंग गिरीश। हाँ, शिरीश पूछिए इनसे इंसोम्निया की कहानी। आप तो फिल्म रिलीज, आप गिरीश को साथ लेके जाइए फिल्म की। आप तो फिल्म रिलीज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मिलेंगे यार? बहुत जरूरत होती है लोगों को सक्सेस की। आप गिरीश हो क्योंकि आप ही मोबाइल पे चालू हो। आप लोग सब बहुत खुश लग रहे हो यहाँ के इस समय, मुझे लगता है आप सब रात के मतलब क्या बोलते हैं उसको, आउल्स हो, उल्लू, बादशाह, रात के रानी सुना है अभी, रात के फोटोग्राफर। एक थोड़ा और क्रिएटिव हो सकते हो आप, रात के उल्लू करेक्ट, उल्लू नहीं, आप उल्लू नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नाइट राइडर्स, ये मेरा बात, नाइट राइडर्स, या यू आर लुकिंग लाइक नाइट राइडर्स।
सवाल रख के कुछ होगा? अरे तुम एक ही आदमी हो जो सवाल पूछ रहे हो यहाँ पे, टेंडर के सामने तुमको दिया हुआ है। हाँ कोई हो, पीछे वो लोग शो हो गए तकिया हो क्या लेंगे। बनने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये फिल्म के अंदर जो इंसोम्नियाक्स का एंगल है वो हमें ऐसा लगता है कि इंसोम्निया इज समथिंग विच लोग अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं। आम आदमी जो है वो इंसोम्निया को शायद इतनी अच्छी तरह पहचानता नहीं है। तो विकास हमेशा कह रहे थे, और दिस वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स इन द फिल्म, क्योंकि ऐसा कोई भी फिल्म हिंदी या इंग्लिश कभी आई नहीं है जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों इंसोम्नियाक्स, और इस वजह से वो लोग मिलते हैं और इस वजह से वो लोग अकेले वक्त बिताते हैं, बिकॉज वो दोनों ही उठे हुए हैं बाकी सब लोग सो गए, तो उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन है, बातें हैं, मोमेंट्स हैं, वो उसके थ्रू क्रिएट होते हैं। तो विकास चाहते थे कि ये इंसोम्निया की बात वो आम आदमी तक पहुंचा सकें, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट मींस। एंड उन्होंने ये गाना ढूंढा एंड ही थॉट दैट इट वेंट सो वेल विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोम्निया, जो बहुत ही आई वुड से इट्स अ वेरी टुडे प्रॉब्लम। अगर 5-7 साल पहले अगर हम बोलते हैं इंसोम्निया कहें तो शायद बहुत कम लोगों को ये इशू होता, लेकिन बड़े शहरों में आजकल ये बहुत मेजर इशू है। मैं जानता हूँ, आई एम माई सेल्फ एन इंसोम्निया, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रात को लेट तक सोते हैं। दैट्स व्हाई वी हैंग टुगेदर, वी स्पेंड टाइम टुगेदर, बिकॉज दिन में आप इतने घंटे काम करते हो कि इट टेक्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी एंड द माइंड कीप्स वर्किंग। तो आई थॉट ये बहुत ही कूल आइडिया था विकास का, कि उन्होंने इस गाने को यूज़ किया टू डिपिक समथिंग विच इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी इशू, और ये 60s का गाना है, बट इट सो इट होल्ड्स ट्रू फॉर इंसोम्निया इन सच अ नाइस वे। एंड एक्चुअली इन इंसोम्निया बोथ देयर अप्रोचेस टू द नाइट इज वेरी डिफरेंट। सो व्हाइल जोगिंदर जोगिंदर इसकी रात से पढ़ती है, so he is always scared, he is alone, he thinks bhoot aa jayegi, bhoot aa jayega, so he is always scared, whereas she thinks night is the best time of the life. So how both of them discuss the night in two different ways, how she thinks it's most beautiful and how he thinks it's one of the most scary things. And actually real life mein mujhe andheri se bahut dar lagta hai. Alia, matlab is film mein aap kya kya weird cheeze karti hain? Thanks. Film mein is aapko aisa feeling ho raha hai ki main bahut weird hu? मैं आपको एक फन चीज बताती हूँ। क्या कंफर्म? हाँ मैं कुछ बोलना है तो विकास विल डेमोंस्ट्रेट फॉर मी, क्योंकि मैं माइक पकड़ रही हूँ। तो आलिया के पास एक टैटू है फिंगर पे फिल्म में, मेरे पास एक टैटू है हाथ पे, कौन से हाथ पे? वहां क्या लिखा है वहां पे? यूजलेस। क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ। पिंकी फिंगर का मतलब सुसु, बाथरूम जाना है तो उसका यूज होता है। ये वाला फिंगर ए सबको पता है क्या है? सबको पता है क्या है? पॉइंट वाला फिंगर, पॉइंट वाला सबको पता है क्या है? लेफ्ट के ऊपर पॉइंट विद दैट फिंगर, ना यू इडियट, मेरे को राइट जाना है, इधर जाओ। अबे ऐसा इसका यूज कैसे बताओ यार? थंब वाला फिंगर, थंब दोनों मीन थंब अप, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। लेफ्ट हैंड का रिंग वाला फिंगर, ये रिंग वाला फिंगर है। राइट हैंड का ये वाला फिंगर एकदम यूजलेस है। इसका क्या मोल है? बोलिए। ब्रेकिंग न्यूज। अरे अभी बोलो ना, उसे यूजलेस है। यूजलेस है ये राइट वाला, ये फिंगर यूजलेस है। यूजलेस इसलिए उसने टैटू लगवाया है अपने फिंगर पे, यहाँ पे यूजलेस। यूजलेस ट्रिविया क्वीन आलिया भट्ट ने ये किया है, जो विकास ने सोचा है, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं। इसलिए हम इसको एक्चुअली तोड़ देते हैं। Shahid, you told that you are an insomniac in real life also. So, what do you do to like pass your time? मुझे जब रात को नींद नहीं आती है तो मैं ज़्यादातर ड्राइव्स पे जाना पसंद करता हूँ, बिकॉज वंस एट दैट टाइम मुंबई में ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो गाड़ी चला सकते हैं, और मैं मोबाइल पे रहता हूँ, लैपटॉप पे कभी म्यूजिक सुन लेता हूँ, कभी कुछ फिल्में देखता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ तो फिल्में देखना पसंद करता हूँ। और जैसे आलिया ने अपने कान साफ कर रही थी तो आती गडू मैं कान साफ कर देता हूँ। एक्चुअली वो टाइम होता है जब आप तफरी करते हो, ऐसी चीजें करते हो जो कोई देख नहीं रहा होता, तो जो मन में है करो। आप इंसोमनिया कर सकते हो, आप भी हो। हाँ मुझे लगा था ये। आप क्या करते हो? आई वॉच टीवी। हाँ और अच्छी बात है, और वॉच सीरीज, दैट्स इट। तुम इस तरीके से बोल रहे हो जैसे मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो, एक्चुअली कुछ और तो टेढ़ा काम करते हो। मैं आई वॉच टीवी, और मतलब मैं गिल्टी नहीं हूँ। क्या करते हो?
actually I wanted to ask you a question. How does Meera react to your how does Meera react to it? Tu usko bhi bike pe follow kar rahe hai kya? जो दिखा आजकल तो फॉलो करता है बाइक पे, वो देख जा रहा है, चल पीछे। ये फुट साइकिल नहीं चलाता है। शायद, शायद, शायद। ये वही है जो रात को इडली भी खा रहे हो कहीं जगह। बस इडली खा रहे हैं। एक और है, इधर है नहीं, दो से पाई है, दो से पाई। आई थिंक डिपेंड करता है, जब रात की आदत लग जाती है तो रात की फील्स हैं। भी उल्टा सीधा सोच रहा है। क्या सोचा है? ये रात के राक्षस जागो जाए, बोलो बोलो क्या सोचा है, क्या सोचा है? मेरा कॉन्फ्रेंस में ऐसे टाइम पास, ये ऐसे ही घूमते हैं लेट नाइट प्रेस कॉन में, हमारे पास कैमरा होने चाहिए थे जो तुम लोगों का हाल हुआ है। क्या किस में मजा आता है? आप लोग एक काम करो, आप आपस में सवाल, हाँ आप पूछो वो जवाब देगा, आप पूछो वो जवाब, सवाल एक जवाब दो, जवाब सही देंगे। बोलिए क्या? अभी बड़ी होने लगी यार, मुझे तो नॉर्मल चीजों में मजा आता है, तुम्हारे माइंड में क्या है मुझे पता नहीं। ट्रांसफर करने के लिए टाइम लगता है। I prefer shooting in the day. मुझे दिन में shooting करना ज़्यादा अच्छा लगता है, because night shoots में usually अगले दिन आपको ऐसा feel होता है, अजीब सा feel होता है, तो you can't go work out, आपके meal hours, मैं जवाब दे रहा हूँ फिर भी आलिया को देख रहे हो ऐसे हाथ रख कोई लड़की सवाल पूछो मुझसे। एक्चुअली ना रात की shooting शुरू बड़ी अच्छी होती है, सब लोग जोश से आते हैं शाम को 7 बजे, फुल एनर्जी, 2:30 बजे 3 बजे सब ऐसा यार ये पैकअप करो, 4 बजे जोश शूट करना गलत है यार। And then it's very difficult to go to sleep. घर जाके 6 बजे भी क्या करे, सन आने वाला है, कंफ्यूज हो रही हूँ क्या होगा, फिर सो जाती हूँ। और ये घूमता है रात को कहीं भी। आलिया निकाल सारे। Yes. Oh hi. आलिया. ये तो अपना है. आलिया. आलिया कल one person who is considered insomniac in Bollywood is Shahrukh Khan. You'll be acting with him soon. So any tips that you would like to share him to you? Must connect bro. I wish कि मैं insomniac का cure अगर यहाँ पे खुलासा कर दूँगी तो मुझे लाइफ में आई थिंक कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे कोई क्योर दे नहीं सकते इंसोम्निया का, मुझे पता है वो क्या समझे समथिंग, बट लकली हमारी ज्यादा नाइट शूटिंग नहीं है। शायद ज्यादातर मूवी में आप मेन शेप दिखते हैं, लेकिन इस बार आपने ज्यादा ही कुछ दाढ़ी मूछ उगा ली है, एज इन अभी फिल्म के अंदर ज्यादा ही। और फिल्म के अंदर तो कम है यार, बहुत कम है, इससे 4 गुना की हैदर में। अभी की बात कर रहे हैं, फिल्म में क्लीन एकदम, ये लुक है, लुक कमर्शियल लुक है, आलिया आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना किया जाए जी सर। एक्चुअली मेरी रंगून की शूटिंग दिसंबर में शुरू होने वाली है, ऐसे मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी कि नवंबर लिखा हुआ था, मैं नवंबर में नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं दिसंबर में शुरू कर रहा हूँ, और उसके लिए विशाल सर ने मुझसे कहा था, अब मैं स्पेसिफिकेशंस में तो नहीं जाऊँगा, बट ही आस्क्ड मी टू ग्रो द बियर्ड बिकॉज पोटेंशियली शायद वो हम यूज़ कर सकते हैं फिल्म के अंदर, तो वो जो भी कहते हैं मैं करता हूँ, मैं उनके साथ कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, बिकॉज उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा कुछ नया लुक दिया है जो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए, तो उन्होंने कहा ग्रो इट, सो आई एम ग्रोइंग इट। शायद आजकल रोज रात को बैठकर ऐसे दाढ़ी उगाता है। 4 दिन लगे। आलिया को क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन था आपसे, ऐसे करके 2 काम साथ में हो जाते हैं। कंटिन्यूएशन था क्वेश्चन का, कंटिन्यूएशन क्या? तो आपको कौन से कैसे लड़के पसंद है, मूंछ वाले लड़के पसंद है, दाढ़ी वाले, किस तरह के? ऐसे बोलना क्लीन शेवन पसंद है कि मूंछ वाले, दाढ़ी क्लीन शेवन? मेरी तो पूरी आई नहीं अभी तक, ये नीचे का एरिया ग्रो हो रहा है। मुझे ज्यादातर थोड़ा सा स्टबल और दाढ़ी अच्छा लगता है। I think it looks quite nice. अरे उसका दिल तोड़ दिया। तो इसे उससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा कम, बट उससे थोड़ा ज्यादा। देख, एक तीर से 2 heartbreaks bro.
लेकिन हाँ पहली बार आलिया शाहिद के साथ काम कर रहे हैं और ये लोग भी शायद पहली बार काम कर रहे हैं, कुछ इनकी केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं, आप एक्टिंग करवाने की कोशिश करते थे कुछ कोशिश इज द राइट वर्ड, बड़ी कोशिश करी मैंने एक्टिंग करने की नहीं करी इन्होंने एक्टिंग। ओके मेंबर्स ऑफ द मीडिया लास्ट टू क्वेश्चन, फोटो फोटो बाय, ही टॉक लिटिल मोर यार मजा आ रहा है। यस यस और कुछ और है यार और कुछ और चीज फर्स्ट टाइम रात को हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, पूरा रात है पूरी रात मैंने इसका आंसर दे दिया और इसकी हेडलाइन भी आ गई है, आप कहाँ डालेंगे ये बता दिया मैंने। यस गिरीश हाँ मैंने बोला उसके बारे में शानदार गाने के बारे में, आई टोल्ड यू अच्छी सर केमिस्ट्री के बारे में बात कीजिए विकास पहले तो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री बायोलॉजी बट देवा जब मैं इनसे मिला पहली बारी और उसके बाद हम शूटिंग करने गए तो आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन था ये दोनों इस साइड पे खड़े थे, बहुत ठंड थी और दोनों ऐसा एक ईयर करेक्ट ना दोनों म्यूजिक सुन रहे थे तो मैं सर बड़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं कि अभी मुझे बताया बट आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स दैट इवनिंग बोथ ऑफ देम वर चैटिंग फॉर आवर्स स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक और शायद के साथ म्यूजिक सुनो तो उससे एक सवाल पूछ लो तो वो 10 जवाब देगा तो आई थिंक आलिया ने एक ऐसी गलती कर ली शायद से पूछ लिया व्हाट डू थिंक ऑफ म्यूजिक तो उसके बाद वो बेचारी वहीं खड़ी रही 2-3 घंटा एकदम सही बोला और वहीं से इन लोगों की केमिस्ट्री शुरू हुई थी एंड आई थिंक दे बिकम रियली गुड फ्रेंड आफ्टर दैट गाइस वाज आलिया द फर्स्ट चॉइस ऑपोजिट शाहिद कपूर या टोटली Always, I wanted to cast the most prettiest, beautiful, lovely girl. Who else? Guys, Rekha ji ka birthday, aap log wish karna chahenge unke liye? Just when I said the most prettiest, loveliest girl. Happy birthday, Rekha ji. Happy birthday, Rekha ji. Happy birthday, Rekha ji. Because is that true that Karan was not happy with the length of the film, so he has told you to re-edit it? No, he had a problem with the breadth of the film. He reduced the breadth, length he had no issue. Yeah, चेहरा किधर है? Circumference में problem था. किधर है ये चेहरा? राज है. राज है. उसने बोला ये राज है. चलो फाइन. बंद करो. Four फाइन. मेरा सैंडल भी सेक्सी ब्रो, दिस इज व्हाट यू कॉल नाइट इफेक्ट इंसोमनियाक मैन टेलिंग सेक्सी सैंडल टू अनदर मैन अदर पीपल टेकिंग फोटो ऑफ दिस कन्वर्सेशन दिस इज मेड वर्ल्ड अप और ऊपर अरे ऐसे मत बोल यार, शायद ना दो कार पहन के आए, ये चप्पल नहीं है, ये दो कार है और शायद कारों पे चल रहा है नीचे से बिल निकल यहाँ से जवाब आया है बेकार है She can be the one getting scared. That's possible. Yeah, I can get scared. But you think you can picture me in a horror movie or right now at least? Abhi ke liye nahi. No. I can be in that little creepy space, but not right now for sure. आलिया आपने कहीं कहा था कि कोई शानदार फिल्म बाकी है कौन सुना? हाँ जी, ये आपको अगले 48 घंटों में पता चलेगा। सही क्या अभी अगला सॉन्ग सुबह लॉन्च होगा 6 बजे। कि शाहरुख आपको इंटिमिडेटेड तो शाहिद क्या लगते हैं? नहीं मैंने ये नहीं कहा कि इंटिमिडेटिंग लगते हैं, मुझे पूछा गया था कि विल यू फील इंटिमिडेटेड, आई सेड ऑब्वियसली मैं ज्यादा नर्वस फील करूंगी ही बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड क्योंकि मैं नहीं हूँ, बट नर्वसनेस मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इट कीप्स मी ऑन माय टोज एंड विद शाहिद आल्सो इनिशियली मैं नर्वस थी व्हाट लाइज ऑफ कोर्स नहीं
बिफोर आई मेट हिम प्रॉपर्ली मतलब ये थॉट से नर्वस थी क्योंकि इट वाज अ इट वाज अ इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट्स व्हाई आई गन स्टॉप आलिया सलमान कैसे लगते हो तुम्हें इमोशंस की बहुत बड़ी है अभी कैसे लगते हैं सेक्सी लगते हैं 12 बज गए ये तो ये तार छोड़ 12 बज गए जो ऐसे ऐसे तार के साथ चल रहा है अपने आप बजना स्टार्ट हो जाने स्पीकर मुझे सलमान शानदार लगते हैं